बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक एस्कुलस हिप के साथ आपका दोस्त डॉक्टर जाफर मंच आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। दोस्तों, एस्कुलस हिप एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और बवासीर के हवाले से बहुत ज़्यादा जानी पहचानी दवाई है। इसमें बवासीरी वायरस और जिगर की ख़राबी और जिगर के फेल की ख़राबी बहुत अहम है। मुआयम स्कीम में खुश्की, यानी पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, उसमें खुश्की के साथ दर्द और एहसास के आंत के अंदर लकड़ी के टुकड़े भरे हुए हैं। कमर दर्द जो तकोनिया हड्डी और कूल्हे को मुतासर करता है। रेक्टम में जलन, मकद में जलन और कमर पर ऊपर नीचे सर्दी की लहर चलती हुई महसूस होती है। बवासीर खूनी के मरीज़ों में बवासीर के साथ दिल के इर्द गिर्द भी दर्द होता है। इस दवा की ख़ास अलामत का ताल्लुक चूँकि बवासीर से है, बवासीरी नालियों में इज्तमाए खून होता है। माय मस्तकीम, खुश्की और दर्द, एहसास जैसे लकड़ी के टुकड़े भरे हुए हों। मकद में दुखन होती है, कच्चेपन का एहसास होता है, पाखाना के बाद कांच निकलती है और शदीद दर्द होता है। खूनी बवासीर और इसके साथ कमर में शदीद दर्द होता है। मौकूफ़ी हैज़ के दिनों में खूनी और बादी बवासीर शदीद हो जाती है, जैसे बलगमी झिल्लियाँ सूज गई हों। पाखाना खुश्क और सख्त और जैसे पाखाना के अखराज का रास्ता बंद हो गया हो। एस्कुलस हिप में कीड़ों को खारिज करने की सलाहियत मौजूद है। कीड़े जलन और ख़ारिश पैदा करते हैं। मैदे में कुतरने का एहसास और जैसे मैदे में पत्थर रखा हुआ हो। खाने के 3 घंटे बाद शदीद और जिगर के मकाम पर दुखन और भराव का एहसास होता है। जिगर के मकाम पर दर्द, नाफ के मकाम पर दर्द और यरकान की अलामत पाई जाती हैं। जायका ख़राब और मुंह में झुलस जाने का एहसास होता है। राल बहती है जैसे ज़ुबान झुलस गई हो। गले की सोजिश जो जिगर की ख़राबी के बायस होती है। गले में अंगारे का एहसास जैसे कोई अंगारा रखा हुआ होता है। बार बार पेशाब की हाजत होती है और कम और गहरी रंगत वाला पेशाब आता है। कभी कम गहरी वाला और कभी गहरी रंगत वाला पेशाब आता है। गुर्दों में दर्द, ख़ासकर बाएं गुर्दे में। लिकोरिया का अखराज दर्द लेसदार और ख़राशदार होता है। इसका अखराज माहवारी के बाद बढ़ जाता है। लिकोरिया के दौरान कमर के ज़ेरी हिस्से में आर पार शदीद दर्द होता है। जिगर के की ख़राबी के बायस खांसी आती है। खूनी बवासीर के मरीज़ों के दिल के इर्द गिर्द दर्द होता है। तकोनिया हड्डी और कूल्हों में दर्द होता है। चलते वक्त पाँव घूम जाते हैं। हाथ पाँव नहाने के बाद सुरख और मतूरम हो जाते हैं। इस दवाई का मुकाबला हम एलूज, कोलन सोनिया, नक्सवामिका और सल्फ़र से कर सकते हैं। इसके तरियाक के तौर पे हम नक्सवामिका को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवाई को आमतौर पर मदर टेंचर में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 30 पोटेंसी, 2x, 2, 3, 6 या इससे बड़ी पोटेंशियाँ भी डॉक्टर साहिबान मरीज़ और उसकी नोयत के हिसाब से, बीमारी के नोयत के हिसाब से इस्तेमाल करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज की होम्योपैथिक रेमेडी जो मैंने आपकी खिदमत में, जिसकी ख़ास ख़ास अलामात रखी। इस दवाई का जो मुद्दत असर होता है वो 30 यौम तक होता है। 30 दिन तक इस दवाई का, एस्कुलस हिप का असर मरीज़ के जिस्म में रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना कभी भी ना भूलें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो कि मेरी काविश, मेरी कोशिश आपको पसंद आई है। इसके अलावा अगर कोई मुझे आप एडवाइस देना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, मेरी रहनुमाई करना चाहते हैं, तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ज़रूर करें। मेरे और अपने ताल्लुक को पुख्ता करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर जेंटल टच दें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच सकें। दोस्तों, होम्योपैथिक तरीका इलाज एक बेज़र्र तरीका इलाज है, लिहाजा इसे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ वकारब में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बेज़र्र तरीका इलाज की तरफ ख़ुद भी आएँ और अपने प्यारों को भी लाएँ। इसी के साथ डॉक्टर जाफर मंज आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।